तो हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज स्वागत करता हूँ आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। और आज के वीडियो में तो किसी को अगर मतलब थंबनेल कैसे अगर अंदाजा हो गया और ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ है क्या सीन। तुम लोग ये देख रहे हो, ये मेरा पीसी मैंने तुम्हें दिखा दिया। जैसा कि अभी दिवाली थी, तो दिवाली पे क्या हुआ कि सारे घर की साफ सफाई हुई, तो मैंने भी पीसी की अच्छे से साफ सफाई की। इसके अंदर बहुत धूल मिट्टी इकट्ठी हो रही थी यार, कसम से बहुत ज्यादा थी। तो मैंने साफ सफाई की, तो हर बारी मैं क्या करता, जो इसका फ्रंट एक्रेलिक पैनल है, जो भी आपको एक वीडियो में पूरे पीसी का बैकग्राउंड दूंगा, ठीक है, उसमें दिख जाएगा। तो इसका जो फ्रंट एक्रेलिक पैनल है, जिसमें मैंने एक यूएसबी अडैप्टर चिपका रखा है, उसके ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे हमारा यूएसबी हब्स और 3.5mm जैक हब्स हैं और पावर स्टार्ट बटन होता है। तो हर बार मैं क्या करता था, इस पैनल को अलग कर लेता था मेरे फैंस वगैरह खोलने के लिए, क्योंकि फ्रंट में इसके फैन लगे हुए। इस बार मैंने वो नहीं किया, मैंने थोड़ा सा काम बचाने के लिए वो उसको थोड़ा सा अपर ऐसे स्ट्रेच कर मैंने अंदर स्क्रू ड्राइवर डाल के फैंस खोल दिए थे। पर अब उससे हुआ क्या, जो इसका बटन का वायर था आई थिंक वो स्ट्रेच हो गया थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा पता नहीं अंदर दबा के प्रेस करके चालू करना पड़ता, उसको स्टार्ट करने में इश्यू रहता ही है। उसी के ऊपर थोड़ा सा मोड़ की वीडियो है ये। मैं एक थोड़ा सा फैंसी आइटम लेके लगाने की सोच रहा हूँ इसके अंदर। उसको दो तरीकों से लगा सकता है, या तो अगर आपका पीसी ओके है और आपको ये करना है कि आपको दूसरे इंसान को उस पीसी को चलाने से रोकना है, तो आप उसको एज अ किल स्विच भी यूज कर सकते हो, ताकि पावर बटन काम ही ना करे बिल्कुल भी जब तक आपका किल स्विच ऑन नहीं होगा। और या तो हम उसको रिप्लेस मार सकते हैं, क्योंकि मैं तो रिप्लेस मारने वाला हूँ, मैं किल स्विच नहीं बनाऊंगा, मुझे वो टोटल रिप्लेस करना है, ठीक है। तो चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं और पीसी के दिखाता हूँ आपको, मतलब सारी वायर्स अगर हटा के फिर काम चालू करेंगे यार। किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर होनी नहीं चाहिए अगर इसके ऊपर आपको काम करना है, किसी भी तरह से स्विच रिलेटेड या फिर और कोई कंपोनेंट खोलना है, तो पूरी तरह से पीसी को ऑफ करके इसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, ताकि जो सारे बोर्ड्स हैं वो सारी इलेक्ट्रिसिटी सक कर लें, ताकि इसमें कोई भी किसी भी तरह का चार्ज ना बचे, नहीं तो भाई कंपोनेंट डैमेज हो सकते हैं आपके, सच बता रहा हूँ। हाँ तो भाई, जैसे हमारा पीसी है, हमारा पैरा लवली, जिससे मैं पिछले कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही मक्खन चल रहा है। तो पहले ज़रा कुछ आइटम्स हटा देते हैं, वायर डिस्प्लग कर दो, ये भी डिस्प्लग कर दो। अब यार पीछे बहुत सारी वायर्स हैं, तो एक एक करके सारी वायर डालें। पर सबसे पहले जरा पावर सप्लाई का बटन बंद कर देना, और सबसे पहला काम मैं यही कहूँगा कि तुम पावर सप्लाई का वायर ही हटाना भैया, सबसे पहले, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। ओके, कोई नहीं, ये वायर से हम बाद में हैंडल कर लेंगे। तो अब जैसे कि हमारा पीसी पूरी तरह से डिस अलग हो गया है, तो इसको लेके चलते हैं जरा यहाँ से बाहर। और भैया जो भी काम करो अपने केस को प्यार से हैंडल करना, क्योंकि हमारे पीसी केस कई बार बहुत भारी हो जाते हैं भैया। तो मैं इसको ले आया हूँ दूसरी जगह पे काम करने के लिए, तो अब इस पे काम स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भैया, ये हमारा फ्रंट पैनल, तो ये यूएसबी हब्स हैं, और जो हमारा पावर बटन है ये वाला, इसकी थोड़ी सी फंक्शन में इशू आ गया। आई थिंक जब मैंने ये पैनल खोला तो इसकी वायर खींच गई और वो ढंग से वर्क नहीं, मतलब कई बार अंदर प्रेस करना पड़ता है डार्ट। पहले तो हल्का सा लाइट पुश शिफ्ट चालू हो जाता था, तो अभी थोड़ा सा वैसे पुश करना पड़ता है। तो अभी मैं इसके लिए ट्राई करूंगा, अगर वो बटन वर्क कर गया तो बढ़िया है, तो टेस्टिंग थोड़ा सा रहेगी। तो पहले फ्रंट पैनल खोलते हैं, उसका शुरू करते हैं काम, तो चलो चालू करते हैं वर्क को। हाँ तो भैया, जो मेरा पीसी है इसमें कोई फ्रंट पैनल को होल्ड करने के लिए स्क्रूज नहीं है, इसमें जस्ट अंदर हिंजेस हैं जो कैबिन की मेटल चेसी के अंदर फंसे हुए हैं। हाँ तो भैया, उन मेटल हिंजेस को निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, जस्ट मेरे को तो उसके लिए कुछ नहीं, वैसे इसमें मेरे को अंदर स्क्रू ड्राइवर फंसा कर उसको बाहर पुश करना होता है। सिर्फ एक तरफ का निकल गया हमारा, अब जरा यहाँ से भी कर लेते हैं। जी सर, ग्लास है तो मैं थोड़ा सा डरता हूँ, वैसे टेम्पर्ड ग्लास है तो इसको कुछ होगा नहीं। तो हमारा आईओ पैनल बाहर आ गया, और अब मैं जरा इस एक्रेलिक शील्ड को भी इससे हटा लेता हूँ। इसको हटाने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे ऊपर दिख रहे होंगे तीन बोल्ट हैं, 1, 2, 3, ये तीनों मेरे को खोलने हैं, और ये पैनल अलग हो जाएगा। तो सिर्फ ये 3 बोल्ट नहीं हैं, और भी हैं, बट अभी के लिए मैं तुम्हें 3 ऊपर के पहले बता रहे हैं। और ये सिर्फ मेरे बोर्ड मेरे पीसी के साथ है, हो सकता है तुम्हारे पीसी में ये ऐसे काम ना करे, तो भैया आपने कैबिनेट को खोलने से पहले बहुत सोच समझ के देखना। ओके, फ्रंट पैनल खुल गया,
सो मैंने लास्ट टाइम क्या किया, मैंने उसको पूरा इससे हटाया जैसे कि मैंने अभी हटाया, और मैंने उसको सिर्फ ऐसे होल्ड करके ऊपर और ये सारे बोल्ट खोल लिए थे फैन के, इसके इसकी वायर खिंच गई है थोड़ी सी, अभी भी खिंच गई होगी। तो अभी हम इसी के ऊपर काम करना है, मैं देख रहा हूँ कि लगा कैसे रखा है। तो यहाँ पे भी एक बोल्ट लगा हुआ, मैं सोच रहा हूँ उसको खोल के बटन को फ्री कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब हमें फ्री अप के बाद स्पेस मिल जाएगा काम करने में थोड़ा सा अच्छे से। तो ये हमारा यहाँ से बाहर आ गया और अब स्विच भी बाहर आ जाना चाहिए। ओके ऐसा इतना बड़ा स्विच है ना कि मैं क्या बताऊँ, मुझे लग रहा है इसकी वायर थोड़ा सा तोड़ना पड़ के इस पर रखना पड़ेगा। तो सीन ऐसा है, ये दोनों वायर्स अलग करनी है, अलग करने के बाद न्यू वायर्स कनेक्ट करेंगे इससे। तो मैं सोच रहा हूँ इसको पीछे से पूरा निकाल लूँ वायर को एक बार बाहर, मैं सोच रहा हूँ ये वाला इसमें लगाने की, एक्चुअली ये थोड़ा सा कूल लगता है ऐसे, कुछ ऑप्शन है ना, थोड़ा सा कूल लगा मेरे को देख के वहाँ पे। तो चलो एक बार ट्राई करते हैं, अगर ये इसके अंदर घुस गया तो भाई सीधा सीधा काम हो जाएगा हमारे लिए। ये एक्चुअली इसको टाइट करने के लिए होते हैं सरफेस पे, अगर ये इसके अंदर से पास करेगा। ओके सो हमारा नया स्विच इसमें एक्चुअली डायरेक्ट लग सकता है, दैट्स रियली नाइस, क्योंकि मैं सोच रहा था कहीं मुझे इसे मोड़ वोड़ करना पड़े और इसको कहीं जगह पे लगाना पड़े, पर ये इसके अंदर से इजीली पास थ्रू जाएगा। ओके ओके दैट वाज गुड, सो अभी कुछ नहीं करना, एक एक वायर यहाँ पे लगानी है दोनों तरफ और एक एक वायर इनमें से निकालनी है। और एक्चुअली मैं कुछ न्यू वायर्स यूज़ करूँगा इसके साथ, इन ये वायर्स बहुत छोटे हैं इसमें लगाने के लिए, तो इसमें थोड़ा सा बहुत एक्सटेंड हो जाएगा वायर, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा फ्यूचर में इसको खोलने के लिए। पहले इसमें वायरिंग सेट करते हैं, उसके बाद उसमें वायरिंग सेट करेंगे, उसके बाद हमारा काम खत्म और फिर पीसी को वापस पैक करेंगे और इसको फिट कर देंगे। काम करते हैं ना, पहले इसी में वायर लगा लेते हैं ताकि ईजी हो जाएगा फिर इसके अंदर लगाना हमारे लिए। तो मेरे पास ये निकल जा लग से, तो ये छोटे सर्किट बोर्ड्स वगैरह में यूज़ करने के लिए काम आती हैं, छोटी कुछ आपको स्कूल प्रोजेक्ट्स करने तो उनके लिए वायर होती है। तो मैं इसमें से दो वायर्स लेके इस पर काम करना चाहूँगा और ओके इतनी वायर के साथ काम करेंगे हम, मैं इतनी वायर लेने वाला हूँ इसमें से, इतनी वायर आई थिंक कंफर्टेबल रहेगी इस पर कभी भी वायरिंग को अप डाउन करने के लिए, आई होप अच्छे से वर्क करेगी मेरे साथ। ओके हमारी वायर दोनों तरफ से ओपन हो गई है देख सकते हो, तो एक साइड जाएगी जो हमारा पुराना जो था उसके अंदर स्विच था उसकी वायर के अंदर, और दूसरी साइड जाएंगी हमारी इन दो पॉइंट्स के अंदर। मैं पहले एक काम करता हूँ, स्विच को वहाँ से निकाल लेते हैं और इस नए वाले स्विच के अंदर वायर्स डाल देते हैं, आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। और वायर्स को हमेशा निकालने की वजह से फोल्ड कर लेना ताकि उनकी स्ट्रेंथन अप हो जाए, ताकि वो एक सिंगल थिक वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे तैयार, वो जो छोटी छोटी पतली पतली वायर्स होती है ना एक एक पीस उनके, वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं अलग होने की वजह से। हाँ तो भैया मैं लाइटर लेके आ गया और ये मैंने कुछ हीट स्ट्रिंग्स मंगा के रखी हुई हैं इसी तरह के काम करने के लिए, तो मेरे को बस सही साइज की हीट स्ट्रिंग चाहिए एक जो इतनी लंबी हो सके। पहली बात तो इसको यूज़ करते हुए बहुत केयरफुल रहना, और दूसरी बात हीट स्ट्रिंग को जलाना नहीं है, उसको हल्का करके पैक करना है ताकि वो स्ट्रिंग हो गए उसके ऊपर टाइट हो जाए और उसके ठंडे होने जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ठंडी हो गई बहुत मजबूत हो जाती है और हमारा कनेक्शन एकदम सॉलिड हो जाएगा। चलो ऐसे दूसरे के साथ भी कर दिया जाए ज़रा, अभी इस वाली को भी ऐसे ही हल्का हल्का आउट करें हम और ये सी टाइप। सो भैया वायर हमारी यहाँ पे आ गई और अभी काम बचा है बस इसको इसमें लगाने का, उसके बाद वायर लगाऊंगा। सो भैया हमने थोड़ी सी गलती कर दी, मैं उस गलती को सुधार के मिलता हूँ आपको। तो हाँ भाई बटन मैंने लगा दिया और मैंने उसकी वायरिंग भी कर दी है, जो कि आई होप तुम्हें दिखेगी नहीं पटियरी, मैंने उसको नीचे से निकाल दिया है उसके यहाँ से बूम, और ये यहाँ पे साइड हो जाएगी मस्त, और लगने के बाद ये सिस्टम अंदर पूरा, और देखते हैं अभी कैसा काम करता है। बट यहाँ पे ऐसे काम करेगा, इसको बाहर खींच के मेरे को अंदर पुश करना होगा एक बार के लिए, और अगर कम्प्लीटली शट डाउन करना होता तो इसमें ऑप्शन ये है कि मैं इसको खींच के छोड़ दूँ और कम्प्लीटली शट डाउन हो जाता है। अगर डायरेक्ट शट डाउन करना है बिना शट डाउन बटन के, मतलब पीसी के अंदर है शट डाउन बटन के, तो अब इसको पैकअप करते हैं और पीसी पे टेस्ट करके देखते हैं सारी वायर्स लगा के चल रहा है नहीं चल रहा है, अगर ये नहीं चला मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, ठीक है। हाँ तो भैया बैकग्राउंड के लिए थोड़ा माफ़ करना, और वायर्स मैंने सारी सेटअप कर दी हैं तुम देख सकते हो। अभी ज़रा पीसी के अंदर पावर सप्लाई ऑन करी है, ओके लाइट्स वाइट्स हमारी सारी आ गई हैं, और ये है हमारी खुद की घड़ी
कि इसको एक बारी अप करना है और डाउन करना है, और पीसी चल गया। ओ ये बंद हो गया, व्हाट द हेक। ओके फक, कांड हो गया गाइस। लॉल हो गई, हमें बटन पीछे रोक के रखना होगा और अब इसको वापस खोलना पड़ेगा मेरे को। मैं जरा दोबारा सब कुछ सॉर्ट आउट करके मिलता हूँ, उसको खोल के मिलते हैं दोबारा से वापस। हाँ तो भैया मैं आ गया वापस, बटन कर दिया हमने वापस से फिक्स। और इसको फिक्स करने के लिए क्या किया है मैं जरा दिखाता हूँ आपको। देख रहे हो तुम वो अंदर स्क्रू, और मैंने कुछ नहीं किया, अंदर थोड़ा सा प्लास्टिक पीस काटा, इस जो बटन था उसको थोड़ा सा और अंदर दिखाया और स्क्रू को वापस लगा दिया, जो एक्चुअली हमें हम इसके साथ में मिलते हैं, और हमारा काम हो गया। ये छोटा सा पीस इसके अंदर से निकल रहा है क्योंकि जस्ट इसके अंदर ऐसे ही ग्लू किया होता है। इसको मैं किसी और फैंसी चीज़ से रिप्लेस कर दूँगा, कोई छोटा मोटा स्टिकर इतना सा लेके आऊँगा, इसके अंदर लगा दूंगा। और अभी तुम देख सकते हो पीसी बंद है, जरा पीछे इसकी पावर ऑन करते हैं, लाइट आ गई है और अभी टाइम है बटन को पुल करके डाउन करने का। ओके ये पहले ही पुल था, कोई नहीं, पुल डाउन। व्हाट द फक, ए अभी काम क्यों नहीं कर रहा, व्हाट द हेक। अब क्या हो गया इसमें। तो अभी इसको फायर अप करने का वक्त आ गया है, और ओके नाइस, वेरी वेरी नाइस। इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलू, एकदम चुम्बेश्वरी फीलिंग आ गई, एकदम नाइस वाली फील आई है भाई साहब, नाइस वाली, इतना स्मूथ चल गया ना ये देखो। ओह ये तो पीसी हमारा फायर अप हो गया और सो एक नंबर चल रहा है, बटन एक नंबर वर्क कर रहा है, तो स्टीयरिंग व्हील भी चल गया हमारा। तो एक चीज़ और दिखाता हूँ, अभी जैसे कि तुम वहाँ देख रहे हो ना, और यहाँ पे ये हमारा कंट्रोलर का ये है, और अगर मैं इसको अभी लॉन्ग पुल कर लूँगा, अभी देखना 1 2 3 बंद, तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, अभी हमारा पीसी बंद हो गया है। और ये और जैसे ही बस इसको पुल करना है और डाउन कर दो, पीसी चालू हो गया। क्या फीलिंग आ रही है इस बटन को पुल अप और पुल डाउन करने की। देखता हूँ फ्यूचर में अगर और अच्छे बटन मिले तो इसको और अच्छे बटन से रिप्लेस कर दूंगा, पर अभी के लिए पीसी ऑन हो गया, मुझे पीसी पे थोड़ा सा काम है। तो मैं वो काम निपटाऊंगा, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से मे बी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर किसी ने लास्ट वीडियो देखी है, मैं संडे ट्रेल राइड मतलब लेपर्ड ट्रेल पे अकेला गया था उस दिन, तो बहुत अच्छी वीडियो थी, जरूर देखना। और एक दिन में दोबारा, थोड़े दिन में दोबारा संडे आ रहा है, दोबारा चलेंगे, एक और वीडियो सुन आएगी तो वो इसके बाद आएगी, तो स्टे ट्यून रहना। और जिसे नहीं देखी भाई जाके जल्दी जल्दी लास्ट वीडियो देख के आओ। बाय बाय।